गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ वर्कशीट 11, पैसिव वॉइस। तो आज हम कुछ सेंटेंसेस जो कि पैसिव वॉइस में लिखे हुए हैं उनको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। रूल्स मैं आपको पैसिव वॉइस के बता चुकी हूँ, प्रेजेंट के पैसिव वॉइस के रूल्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन आज सेंटेंसेस में सारे टेंस मिक्स हैं, तो मैं आपको जैसे जैसे सेंटेंस आएगा साथ में बताती चलूँगी और ये भी सिखाऊंगी कि ट्रांसलेट करते समय हमें क्या फॉलो करना है। ठीक है, चलिए पैसिव वॉइस हम देखते हैं। सेंटेंस देखिए, फर्स्ट हमारा, हमीद के द्वारा एक पुस्तक खरीदी जाती है। सेंटेंस है, हमीद के द्वारा एक पुस्तक खरीदी जाती है। सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो एक्टिव वॉइस में है या वो पैसिव वॉइस में है? सही बात है ना, यही तो प्रॉब्लम आएगी ना। देखिए, आप सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, हमीद के द्वारा एक पुस्तक खरीदी जाती है। यानी कि एक लड़का है हमीद, एक पुस्तक है और हमीद उस पुस्तक को खरीदता है। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हमीद एक पुस्तक खरीदता है, हमीद एक पुस्तक खरीदता है। तो हमीद सब्जेक्ट होता है, खरीदना वर्ब होती है और पुस्तक ऑब्जेक्ट होता है। हमीद एक पुस्तक खरीदता है, ठीक है। सेंटेंस को चेंज कर दिया, अब हम क्या बोल रहे हैं, हमीद के द्वारा एक पुस्तक खरीदी जाती है। तो ये जो हमीद के द्वारा है इस पर हमने फोकस कम किया और एक पुस्तक पर फोकस ज़्यादा किया। अब सेंटेंस यहाँ से पढ़ने में कंप्लीट सा लगता है कि एक पुस्तक खरीदी जाती है, इतना मैटर करता है कि एक पुस्तक खरीदी जाती है। अब इतना मैटर नहीं करता कि वो पुस्तक कौन खरीदता है। पहले क्या मैटर कर रहा था कि हमीद एक पुस्तक खरीदता है, कौन पुस्तक खरीदता है ये मैटर कर रहा था। अब क्या मैटर कर रहा है कि एक पुस्तक खरीदी जाती है, ये मैटर नहीं कर रहा कि इस पुस्तक को कौन खरीद रहा है। तो ये जो है ये ऐसा पार्ट बन गया है जो इम्पॉर्टेंट नहीं रहा है, ठीक। तो पार्ट अब कहाँ से स्टार्ट होता है सेंटेंस का, यहाँ से, एक पुस्तक खरीदी जाती है। तो ये जो एक पुस्तक है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में वर्क करने लगती है और जो हमीद के द्वारा है वो सेंटेंस में पीछे चला जाता है। क्लियर, बस पैसिव वॉइस में यही होता है कि जो सीधा सीधा सेंटेंस होता है उसको हम इस तरह से घुमा देते हैं, इस तरह से बदल देते हैं कि उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो एम्फसाइज कर देता है, यानी कि वो सेंटेंस पर बल देता है, वो सेंटेंस को चेंज कर देता है, ठीक, उसकी इम्पोर्टेंस बन जाती है। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, देखिए ट्रांसलेट करेंगे यहीं से, एक पुस्तक से, तो आ जाएगा आपका अ बुक, अ बुक, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए अभी हम स्पेस छोड़ देते हैं। उसके बाद वर्ब है, तो पैसिव में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, तो खरीदने की इंग्लिश होती है बाई, बी यू बाई, बाई, और उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या लगेगी, बॉट, बी ओ यू जी एच टी, बॉट। तो अ बुक बॉट, इतना हो गया। अब लास्ट में रह जाता है हमीद के द्वारा, तो के द्वारा के लिए लगाते हैं बाई, और हमीद जो है वो आपका पुस्तक को खरीदने वाला है, तो लिख देंगे हम हमीद, प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल से। तो अ बुक बॉट बाय हमीद, ये हो गया पैसिव। अब आप यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, कैसे, ये टेंस जो है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज आर एम, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज़ बीन, हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज या वर, पास्ट कंटिन्यूस है, तो वॉज बीइंग, वर बीइंग, पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल बी, शैल बी, बस दैट्स इनफ। इतनी ही हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बुक के साथ क्या जाएगा, इज आर एम में से इज जाएगा, तो हम यहाँ पर इज फिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा अ बुक इज बॉट बाई हमीद, अ बुक इज बॉट बाई हमीद, हो गया पैसिव, इट इज डन नाउ, है ना, सिंपल इजी है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, मेरे द्वारा दो पत्र लिखे जाते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, मेरे द्वारा दो पत्र लिखे जाते हैं। पत्र कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसे भी बोल सकता था इसको,
कि मैं दो पत्र लिखता हूँ, लेकिन अब ये चेंज हो गया, यहाँ पर हो गया दो पत्र लिखे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रह गया दो पत्र लिखे जाते हैं। अब किसके द्वारा लिखे जाते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया, तो ये चला जाएगा पीछे और यहाँ से हो जाएगी इसकी स्टार्टिंग, दो पत्र लिखे जाते हैं। अब दो पत्र, टू लेटर्स, LETERS, टू लेटर्स, हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ देंगे। अब लिखना वर्ब है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, WRITEN, रिटन। अब मेरे द्वारा, द्वारा की बाई, और मेरे की पीछे जाएगा तो मी, तो बाई मी, तो टू लेटर्स रिटन बाई मी। ठीक है, अब टेंस देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो टू लेटर्स के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। टू लेटर्स आर रिटन बाय मी। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, उसके द्वारा तुम्हारी सहायता की जाती है, उसके द्वारा तुम्हारी सहायता की जाती है। ठीक है, उसके द्वारा तुम्हारी सहायता की जाती है में मतलब उसके द्वारा, वह है कोई उसके द्वारा, और तुम्हारी सहायता की जाती है मतलब वह तुम्हारी सहायता करता है, वह तुम्हारी सहायता करता है का पैसिव ये है, उसके द्वारा तुम्हारी सहायता की जाती है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ? तुम्हारी सहायता की जाती है, ये इम्पॉर्टेंट हुआ, और किसके द्वारा की जा रही है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये पार्ट आपका पीछे चला जाएगा और इस पार्ट से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। अब आप अटकोगे यहाँ पर, तुम्हारी सहायता की जाती है, तो आप क्या करोगे? तुम्हारी की इंग्लिश जब आप सोचोगे तो आपको योर याद में, योर ध्यान में आएगी, है ना, कि तुम्हारी की इंग्लिश तो योर होती है। लेकिन अब आप ये सोचो, मैंने आपको बताया था कि जब आप योर को आगे यूज़ करोगे, सब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ करोगे, तो योर नहीं यूज़ करोगे, सिंगल योर आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आप क्या यूज़ करोगे? यू यूज़ करोगे। तो यहाँ स्टार्टिंग किससे होगी? यू से होगी, तो यू। हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। अब सहायता करना, सहायता करने की हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्ड। अब उसके द्वारा, द्वारा की बाई, और उसका थर्ड पर्सन है तो हिम। ठीक, तो यू हेल्प्ड बाय हिम, इतना हो गया। अब देखिए टेंस कौन सा है? ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू के साथ क्या आएगी? आर। तो सेंटेंस हो जाएगा यू आर हेल्प बाय हिम। क्लियर है? यू आर हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हारे द्वारा कल एक रेडियो खरीदा गया। तो इस पार्ट को आप अलग कर लीजिए, तुम्हारे द्वारा को। अब आप यहां से बनाइए, कल एक रेडियो खरीदा गया, कल एक रेडियो खरीदा गया। ठीक है, तो क्या खरीदा गया? एक रेडियो खरीदा गया। तो आप कल से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जो आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो आएगा एक रेडियो। ठीक है, तो कल से स्टार्टिंग करेंगे, तो कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे, YESTERDAY। आप इसको पीछे भी लगा सकते हो, वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लगा के दिखा दिया है। यस्टरडे अ रेडियो, अ रेडियो। अब आप हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दीजिए। अब खरीदना, ऊपर भी आई थी बाई, और थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT, बॉट, और तुम्हारे द्वारा, तो बाई, और तुम्हारे की यू, बाई यू, बाई यू याद कर लीजिए। ठीक है, तो यस्टरडे अ रेडियो बॉट बाई यू। अब देखिए टेंस कौन सा है? खरीदा गया, टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? पैसिव में, एक्टिव में तो नहीं आती, एक्टिव में तो डेड आती है ना, लेकिन पैसिव में क्या आएगी? वॉज या वर्ब। तो रेडियो एक है, तो ये रेडियो के साथ क्या आएगी? वॉज। तो यहाँ पर आप वॉज लगा देंगे, सेंटेंस बन जाएगा अ रेडियो वॉज बॉट बाय यू। ठीक है, आगे देखिए, यह कमरा कल सोहन के द्वारा साफ किया गया। तो यह कमरा कल सोहन के द्वारा साफ किया गया, तो द्वारा वाला आप अलग कर लीजिए, सोहन के द्वारा, इसको तो पीछे लगाना है आपको। अब इसमें कल भी है, तो कल की इंग्लिश आप पहले सेंटेंस की तरह स्टार्टिंग में ही लगा दीजिए और भूल जाइए, यस्टरडे। अब यह कमरा, ये आपके लिए सब्जेक्ट का काम करेगा, यह कमरा, तो दिस रूम, हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दीजिए दिस रूम।
अब साफ करने की इंग्लिश क्या होती है? क्लीन. और थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्लीन्ड, CLENED, क्लीन्ड. अब सोहन के द्वारा तो बाई सोहन, एस कैपिटल SOHAN, सोहन. अब देखिए, यस्टरडे दिस रूम क्लीन्ड बाई सोहन. टेंस कौन सा है? किया गया, यहाँ पर खरीदा गया, यहाँ किया गया. टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट. तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज या वर. तो दिस रूम के साथ क्या जाएगा? सिंगुलर है तो वॉज जाएगा, तो यहाँ आप वॉज लिख सकते हैं. यस्टरडे दिस रूम वॉज क्लीन बाई सोहन. ठीक है, चलिए अगला देखें. सिक्स वाला सेंटेंस देखिए. वह अलमारी खोलते हुए देखा गया. अब यहाँ पर किसी के द्वारा नहीं आया है तो वो पार्ट की इंग्लिश हम नहीं लगाएंगे. किसे देखा गया? उसे देखा गया. क्या करते हुए? अलमारी खोलते हुए. तो ये जो है, ये इसमें एक पार्टिसिपल वर्ब जो है वो ऐड है, अलमारी खोलते हुए. तो ये पोर्शन अलग है, तो इसे हम अलग से ऐड करेंगे. केवल इतना है कि वह देखा गया या उसे देखा गया. तो यहाँ से वह की इंग्लिश ही, हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दीजिए और देखने की सी, और थर्ड फॉर्म सी, सॉ और सीन. थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन. ठीक है, अब अलमारी खोलते हुए, खोलते हुए, गाते हुए, पढ़ते हुए, चलते हुए, इस तरह की वर्ब जो होती हैं वो पार्टिसिपल होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो उसकी इंग्लिश हम आईएनजी लगाकर बनाते हैं. तो खोलते हुए की क्या आएगी? ओपन, और ओपन में आईएनजी, ओपनिंग. ठीक है, अब क्या खोल रहे हैं? अलमारी. तो ओपनिंग द, अलमारी की इंग्लिश होती है अलमिरा. तो ALMIRAH, अलमिरा. ठीक है, तो ही सीन ओपनिंग द अलमिरा. अब देखिए टेंस कौन सा है यहाँ पर? देखा गया, किया गया, खरीदा गया, पहना गया. पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? पैसिव में वॉज या वर. तो ही के साथ क्या आएगी? वॉज. सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज सीन ओपनिंग द अलमिरा. उसे देखा गया अलमारी खोलते हुए. समझ में आ रहे हैं आपको? मुझे लगता है आपको समझ में आ रहे हैं. तो आगे चलते हैं. सेवन सेंटेंस देखिए. मुझे पार्टी में आमंत्रित नहीं किया गया. अब इसमें द्वारा वाला पार्ट नहीं है तो उसको हम कंसीडर करेंगे ही नहीं. तो किसको आमंत्रित करने की या नहीं करने की बात की जा रही है? मुझे. तो मुझे से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो मुझे पार्टी में आमंत्रित नहीं किया गया. मैंने कोई काम नहीं किया, मेरे ऊपर काम हुआ. तो ये पैसिव है, तो मुझे की इंग्लिश आई. हेल्पिंग वर्ब के लिए छोड़ दीजिए. अब यहाँ पर जो है वो नहीं भी आया है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नहीं की इंग्लिश आती है, तो नॉट लगा देंगे. अब आमंत्रित करने की होती है इनवाइट, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है इनवाइटेड. ठीक है, इनवाइटेड. और पार्टी में, तो पार्टी में के लिए इन द पार्टी नहीं लगाते हैं, इनवाइट के साथ लगता है टू द पार्टी. इनवाइटेड टू द पार्टी या फॉर द पार्टी. इन द पार्टी नहीं आता है. ठीक है, अब के द्वारा नहीं है तो छोड़ देंगे. तो आई नॉट इनवाइटेड टू द पार्टी. अब लगानी है हेल्पिंग वर्ब. तो टेंस देख लीजिए. किया गया, पास्ट इंडेफिनिट है. पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वॉज या वर. तो आई के साथ क्या आएगी? आई वॉज. तो आई वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी. आई वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी. ठीक है, अब देखो अगला सेंटेंस. उस लड़के को कल यहाँ पर बुलाया जाएगा. उस लड़के को कल यहाँ पर बुलाया जाएगा. इसमें भी द्वारा वाला पार्ट नहीं है. लड़के के ऊपर काम किया जा रहा है, लड़के को बुलाया जा रहा है, तो पैसिव वॉइस है. तो अब इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर कल भी है लेकिन टेंस देख लीजिए. बुलाया जाएगा यानी कि फ्यूचर टेंस है. अभी तक बुलाया नहीं गया, बुलाया जाएगा, भविष्यकाल है. तो यहाँ कल की इंग्लिश लगेगी टुमारो. ठीक है, तो अब किस लड़के को बुलाया जाएगा? उस लड़के को. तो उस लड़के की क्या होगी? उस मतलब दूर है, तो दैट बॉय. इस लड़का होता तो दिस बॉय, उस लड़का तो दैट बॉय. हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दीजिए. अब बुलाना, बुलाने की होती है कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड. ठीक है, तो दैट बॉय कॉल्ड. अब यहां पर की इंग्लिश क्या होती है? ओवर हियर. ओवर हियर
यहाँ पर, और कल की इंग्लिश टुमारो, क्योंकि फ्यूचर टेंसेस लिए, पास्ट होता तो यस्टरडे लगाते, कॉल्ड ओवर हियर टुमारो। अब हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए टेंस कौन सा है, जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, अभी कोई काम नहीं किया है, आने वाले टाइम में वो करेगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। और फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, एक्टिव में लगाते हैं विल और शैल, और पैसिव में लगाते हैं विल बी और शैल बी। तो दैट बॉय थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ विल बी, आई और बी होता तो शैल बी। तो दैट बॉय विल बी कॉल्ड ओवर हियर टुमारो, दैट बॉय विल बी कॉल्ड ओवर हियर टुमारो, ठीक है। नाइन्थ वाला सेंटेंस देखिए, अध्यापक के द्वारा हमें सजा दी जाएगी, तो इसमें द्वारा वाला पार्ट आ गया, इसकी इंग्लिश लास्ट में बनाएंगे। यहाँ से हो जाएगा सेंटेंस हमें सजा दी जाएगी, स्टार्ट कीजिए हमें की वी, छोड़ दीजिए ब्लैंक। अब सजा देने की होती है पनिश, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, पनिश्ड, PUNISHED, पनिश्ड, ठीक है। अब अध्यापक के द्वारा की, तो द्वारा की बाय, और अध्यापक की द टीचर, TEACHER, टीचर, तो वी पनिश्ड बाय द टीचर। अब टेंस देखिए, दी जाएगी, अभी दी नहीं गई है, फ्यूचर में दी जाएगी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी वी के साथ, विल बी या शैल बी में से शैल बी, आई और वी के साथ शैल बी, तो वी शैल बी पनिश्ड बाय द टीचर। अब आपको इजी लग रहे हैं, क्योंकि है ही इजी, मुश्किल है ही नहीं कोई भी इसमें। अब देखिए टेंथ वाला सेंटेंस, तुम्हारे द्वारा हमें पढ़ाया जाएगा, द्वारा वाला पार्ट अलग कर दीजिए, इसकी इंग्लिश आप बाद में बनाएंगे। अब हमें पढ़ाया जाएगा, तो हमें की इंग्लिश स्टार्ट कीजिए, बी ब्लैंक छोड़ दीजिए हेल्पिंग वर्ब के लिए। अब पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश बहुत आप कई बार गलत लगा देते हो, रीड लगा देते हो, रीड का मतलब पढ़ना, पढ़ाने की क्या होती है, कोई टीचर आपको रीड नहीं कराता है, कोई टीचर आपको टीच करता है, तो पढ़ाना टीच, तो यहाँ टीच की थर्ड फॉर्म लगेगी टॉट, TAUGHT, याद कर लीजिए टॉट, टीच, टॉट, टॉट। अब तुम्हारे द्वारा, तो बाई यू। अब देखिए टेंस कौन सा है, पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाया भविष्य में जाएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट में वी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी में से क्या लगेगी, शैल बी, तो वी शैल बी टॉट बाई यू, वी शैल बी टॉट बाई यू, है ना, सिंपल। चलिए अगला देखिए, इलेवेंथ सेंटेंस देखिए, इलेवेंथ सेंटेंस में क्या बोला गया है, पढ़िए, मेरे विचार से हमारा पीछा किया जा रहा है, मेरे विचार से हमारा पीछा किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ मेरे विचार से की इंग्लिश आप छोड़ दीजिए, इसको आप अलग से लगा सकते हो, सेंटेंस जो आपका मेन है वो है हमारा पीछा किया जा रहा है, किसी के द्वारा हमारा पीछा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है ये आप नहीं जानते हो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, हमारा स्टार्टिंग में लगाएंगे तो वी लगाएंगे, और वैसे आपके दिमाग में चल रही होगी अवर होती है, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में लगाओगे तो वी लगेगी। हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। अब पीछा करने की इंग्लिश क्या होती है, चेज होती है, फॉलो होती है, तो हम फॉलो भी लगा सकते हैं, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, फॉलोड, FOLLOWED, फॉलोड, ठीक है। अब मेरे विचार से मतलब मुझे ऐसा लगता है, तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे विचार से की इंग्लिश क्या होती है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। इट सीम्स टू मी ऐसा भी लगा सकते हैं, इट सीम्स टू मी, ऐसे फ्रेजेस जो होते हैं ना, आप इसे याद कर लिया करो, ज्यादा इसमें सोचा मत करो, मेरे विचार से अकॉर्डिंग टू मी, या मेरे विचार से इट सीम्स टू मी, या एक और बोलते हैं एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी बात है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, तो मेरे विचार से इट सीम्स टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, एज फार एज आई एम कंसर्न, ठीक है। जो सिंपल है आपको वो याद कर लेना है, तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे सिंपल है इन तीनों में से, तो मैंने लगा दिया। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, देखो टेंस फिर से यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, मैंने आपको बताया था इज बीइंग
आर बींग या एम बींग, तो वी के साथ क्या जाएगा, वी के साथ जाएगा आर बींग, कंटिन्यूस है तो आई एन जी तो आना बनता है, आई एन जी तो आएगी, अब चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स है, तो यहाँ अपने आप से बींग लगाती है, तो वी आर बींग फॉलोड अकॉर्डिंग टू मी, मेरे विचार से वी आर बींग फॉलोड हमारा पीछा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए ट्वेल्थ नंबर का सेंटेंस देखिए, उसके द्वारा एक चिड़िया मारी जा रही है, उसके द्वारा वाला पार्ट अलग कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक चिड़िया मारी जा रही है, तो एक चिड़िया की अ बर्ड, हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। अब मारना, मारने की क्या होती है, किल, और किल की थर्ड फॉर्म आप जानते हो ना, किल्ड, वेरी गुड। अब उसके द्वारा के लिए क्या लगाओगे, बाई हिम, बाई हिम, हो गया ये। अब हेल्पिंग वर्ब देख लो, टेंस देख लो, जा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज बींग, आर बींग, एम बींग, अ बर्ड के साथ सिंगुलर है तो इज बींग, तो इज बींग, तो सेंटेंस क्या बना बच्चों, अ बर्ड इज बींग किल्ड बाई हिम, एक चिड़िया मेरे द्वारा मारी जा रही है। आसान लग रहे हैं आपको, मुझे भी लग रहे हैं। अब आखिरी सेंटेंस हमारी आज की वीडियो का क्या है, खाना अब तैयार किया जा रहा है, किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है मालूम नहीं, तो द्वारा वाला पार्ट नहीं दिया है, सिर्फ खाने से स्टार्ट होगा, खाना अब तैयार किया जा रहा है, तो खाना, द फूड, द फूड, हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। अब तैयार करना, तैयार करने, फूड के लिए तैयार करने के लिए क्या लगाते हैं, कुक भी लगाते हैं और प्रिपेयर भी लगाते हैं, तो आप प्रिपेयर लगा दीजिए, पी आर ई पी ए आर ई और डी, थर्ड फॉर्म हो गई प्रिपेयर्ड। अब रह गया अब की लगा दीजिए नाउ, ठीक है। अब लगानी है आपको हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस देखिए कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज बींग, आर बींग, एम बींग, तो फूड के साथ क्या लगाएंगे, फूड सिंगुलर है तो इज बींग, तो सेंटेंस पूरा क्या बना, पढ़ के देखिए, द फूड इज बींग प्रिपेयर्ड नाउ, द फूड इज बींग प्रिपेयर्ड नाउ, खाना अब तैयार किया जा रहा है। तो लिंक कर लीजिए, केवल ट्रांसलेशन पे मत छोड़िए, लिंक कर लीजिए, अगर आपको इंग्लिश में ऐसे बोलना है, मम्मी खाना तैयार किया जा रहा है, ठीक, तो आप कैसे बोलेंगे, द फूड इज बींग प्रिपेयर्ड, चिड़िया मारी जा रही है, अ बर्ड इज बींग किल्ड, चिड़िया मारी जाती है, तो अ बर्ड इज किल्ड, चिड़िया मार दी गई है, अ बर्ड हैज बीन किल्ड, चिड़िया मार दी जाएगी, अ बर्ड विल बी किल्ड, ऐसे आप जो भी टेंस में बनाओ, टेंस चेंज होता जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाएगी, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आज हमने इस वर्कशीट के 13 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया है, 25 सेंटेंसेस हैं, बाकी के सेंटेंसेस हम अगली वीडियो में ले लेंगे, सो टिल देन वॉचिंग माई वीडियो, लव यू, बाय बाय।